I spent 100 days in this Pokemon game, but as a professor. So, हम सभी ने अपने बचपन से देखा है कि हमारा पहला Pokemon हमें प्रोफेसर ही देता है. But क्या होगा अगर मैं ही प्रोफेसर बन जाऊँ और अपनी Pokemon जर्नी पे निकल जाऊँ. So, आज मैं बनने वाला हूँ प्रोफेसर ओक और पूरे 100 डेज बिताने वाला हूँ इस Pokemon गेम में, वो भी प्रोफेसर ओक बनकर. 3, 2, 1, GO! So, यहां से हमारा गेम शुरू होता है और यहां पे गेम मोड मैं सोच रहा हूँ रैंडमाइजर करने का, इससे और मजा आएगा. कस्टम मोड की बात करें गेम ऑप्शन की तो यहां पे काफी सारे ऑप्शन है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ. और यहां पे शाइनी प्रोबेबिलिटी नॉर्मल और ये सब अभी अनलॉक कर देते हैं स्टार्टिंग से, तभी मजा आएगा. और अभी भाई स्टार्ट करते हैं अपने गेम को. ये है हमारे प्रोफेसर बटिया, हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे बाद में, लेकिन हम लोग को पहले यहां पे देखना है काफी सारे कैरेक्टर है तो हम लोग कौन सा ले. वैसे गाइस मुझे पता है मुझे कौन सा लेना है और यहां पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूं ये गेम काफी कमाल का है और इसमें काफी सारे रीजन के कैरेक्टर्स है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कौन सा कैरेक्टर लेना है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर इस गेम प्ले सीरीज में होगा प्रोफेसर ओक. और यहां पे इसका नेम भी मैं सोच रहा हूं प्रोफेसर ओक ही डाल दूं, इससे और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा. लेकिन मैं यहां पे प्रोफेसर नहीं डालने वाला बिकॉज स्टार्टिंग से ये प्रोफेसर नहीं हो सकता. यहां पे प्रोफेसर ओक की जर्नी स्टार्ट हो रही है तो स्टार्टिंग में बस एक छोटा सा बच्चा है, एक नौजवान लड़का है जो कि अपनी जर्नी को कांटो रीजन से जाके यानी कि होइन रीजन में जाके शुरू करता है. क्योंकि यहां पे कांटो रीजन में उसका कोई काम धंधा था नहीं, एक दिन की बात है मेरे पास कोई काम था नहीं तो मैं सो जाता हूँ. लेकिन तभी मुझे याद आता है कि यार मैं कांटो में नहीं हूँ यार, मेरे पास काम आ चुका है. और यहाँ पे ये घड़ी को टाइम सही करना था. ओके हो गया, अभी नीचे जाता हूँ यार, क्या चल रहा है दुनिया में. ओके यहाँ पे डैड आ रहा था टीवी पे, ठीक है यार अभी बढ़ते हैं अगले घर की ओर. और ये किसका घर है भाई, ये कौन है? ओके तो ये है मेकी मॉम. अरे यार वो तो बच्ची अभी, क्योंकि हम लोग यार बूढ़े हो चुके, आई मीन बूढ़ा नहीं हूँ भाई, यहाँ पे मैं अभी नौजवान लड़का हूँ जो कि अब प्रोफेसर ओक का कैरेक्टर है, ठीक है. अब ये प्रोफेसर बना नहीं है तो ये एक नौजवान लड़का है, कोई प्रोफेसर नहीं है ये. और यहाँ पे भाई क्या चल रहा है? ओके तो इस रीजन का जो असली प्रोफेसर है उसका कोई यहाँ पे पोकेमोन हमला कर रहा है उस पे. ओके यार देखते हैं कौन सा पोकेमोन होगा, रैंडमाइजर है. ओ माय गॉड रॉक रफ यार, ये मुझे काफी पसंद है. ओके यार गजब का, क्योंकि ये रैंडमाइजर है, इस गेम में कुछ भी हो सकता है. और यार यहाँ पे देखते क्या होगा. ओके हमारा पहला पोकेमोन है रॉक रफ, नाइस यार, क्योंकि यार ट्रीको ब्लिजकिन मडकिप तो हमेशा मिलता है. और इस गेम के सबसे कमाल की बात ये है ना, हमारे पीछे पीछे हमारे पूरे पोकेमोन आएंगे, आप लोग बस देखते जाओ. अभी हम लोग और भी पोकेमोन कैच करेंगे लेकिन उस पहले इस बच्ची से लड़ लेता हूँ यार. अरे भाई साहब इसके पास 3 पोकेमोन है और यार यहाँ पे 2 लेवल है इसका तो मैं जीत जाऊंगा. और यहाँ पे इसका सेकंड पोकेमोन है स्कैवेलियर, तो यहाँ पे मैं टैकल यूज करता हूँ. लेकिन मैं यहाँ पे मैं से पहली बैटल ही हार जाता हूँ, कोई बात नहीं यार अभी हमारे पास पोकेमोन नॉलेज नहीं है, आ जाएगा. और यहाँ पे मुझे मिलता है कि वाइल्ड आर्टिकुनो, मैंने पहले बोला ये रैंडमाइजर है तो इसमें कुछ भी हो सकता है, लिटरली कोई भी पोकेमोन आ सकता है. मैं देखता हूँ यहाँ पे बैग में. ओ माई गॉड हमारे पास इस गेम में 10 पोकेबॉल एंड 10 मास्टर बॉल है. भाई गजब यार ये गेम तो काफी कमाल का है और शायद से काफी कुछ अभी और भी आने वाला है, आप लोगों को बस देखते जाना है क्या क्या आता है. और भी काफी सारे पोकेमोन होंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ इससे पहले फिर से लड़ने, ठीक है, क्योंकि इसको हराना काफी जरूरी है. और यहाँ पे रैंडमाइजर है तो इसका पोकेमोन चेंज होता रहेगा. इसके पास फिलहाल एक ड्यूरेलूडॉन टैकल यूज किया गया और यहाँ पे भाई बाइट वगैरह मेरे पास आ चुका है. और इसके बाद मैं क्या करूँ, बाइट यूज करता हूँ. ओ माई गॉड काफी स्ट्रांग है ये तो, नाइस यार. और इसके बाद है जीत जगून, गया यार वो तो वन शॉट हो गया. अभी यार समय है पोकेमोन कैच करने का, बट उससे पहले इस रीजन के असली प्रोफेसर से मिलता हूँ मैं और देखता हूँ यार हमारे पास पोकेडेक्स आ चुका है. ग्रेट मैन, यानी पोकेडेक्स मिलने से पहले पोकेबॉल मिलने से पहले ही हमारे पास पोकेबॉल एंड मास्टर बॉल इस गेम में होते हैं, गजब यार. यार ये तो सही है यार. ओके यहाँ पे क्या होता है, मैं एक और बंदे से लड़ता हूँ, एक मोटे अंकल वहाँ पे खड़े. ओके यार आ जाओ आप ही, मोबाइल बाइट यूज किया. ओके गया, एक और पोकेमोन है यहाँ पे है भाई बैस्क्यूलिन, गया ये तो. और यहाँ पे एक और लड़का है, यहाँ पे इस लड़के के पास है कैंपल, बाइट से गया. और यहाँ पे है ट्रेन, ये भी गया. और यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने जिम में मिलने, अपने डैड के ही जिम में. और यहाँ पे वैली नाम का लड़का है जिसको एक ज़िगज़ागून मिला अपने डैड से. लेकिन यहाँ पे देखते हैं कौन सा पोकेमोन का रैंडमाइजर है. ओ माई गॉड रैंडमाइज्ड हुआ तो भाई फारफेस्ट मिल गया 100 लेवल का इसको और ये 5 लेवल की रैड इसको कैच कर रहा है. वैसे ये रैंडमाइजर है गाइज. सो गाइज अभी हमें डैड ने बोला रस्ट बोरो शहर जाने के लिए, लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ मुझे यहाँ पे एक वाइल्ड पोकेमोन मिलता है
एंड लिटरली ये पोकेमोन है गिराटिना और यहाँ पे मेरे पास मास्टर बॉल ऑलरेडी है। जैसा कि आप लोग जानते हो ये एक रोम हैक है, तो यहाँ पे मास्टर बॉल 10 हम लोग को ऑलरेडी मिलते हैं और यहाँ पे और भी काफी अच्छे अच्छे पोकेमोन है, जैसे कि मुझे यहाँ पे एंटी मिलता है भाई, लेकिन स्टिल मैं इसको भी कैच नहीं करने वाला क्योंकि और भी काफी अच्छे लेजेंडरी पोकेमोन आएंगे। यहाँ पे चश्मिश बंदा मिलता है, देन मैं यहाँ पे आता हूँ बेरीज की चोरी करने, क्योंकि प्रोफेसर ओक भी किसी जमाने में बेरी को चुराया करते थे जिससे पोकेमोन की दवाइयां पोशन वगैरह बनाते होंगे। और यहाँ पे भाई डायल का इस लड़की के पास लिटरली भाई गिराटिना वर्सेस डायल का इतनी जल्दी हो रहा है। और यहाँ पे क्या होता है ना, मेरे पास भी आर्टिकूनो है, आप लोगों को याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही एक आर्टिकूनो को कैच किया था, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरा आर्टिकूनो भी डायल का के सामने फीका पड़ रहा है, तो मैंने यहाँ पे बाइट यूज किया रॉक रफ का। देन उसको हराने के बाद मुझे खुद का डायल का मिलता है, यानी कि लेजेंडरी पोकेमोन्स मेरे पास खुद चल कर आ रहे हैं। और यहाँ पे यार मास्टर बॉल है ही मेरे पास, तो यार लेट्स कैच इट, क्योंकि यार पोकेबॉल में वो आने वाला भी नहीं है। और यार यस हमारे पास है डायलगा, और यहाँ पे एक बंदा जो कि टीम एक्वा के बंदे से काफी ज्यादा परेशान है, मैं यहाँ पे ना इसकी जान बचाता हूँ। और इसके पास है शॉक गया, वो शॉक गया, और मेरे पास यार डायलगा गिराटिना आर्टिकूनो एंड रॉक रफ और भी काफी पोकेमोन है, अपनी पोकेमोन की फौज बनाएंगे। ग्रेट बॉल दे रहा है भाई, मास्टर बॉल है। मैं आगे बढ़ता हूँ एंड देन देखता हूँ कि यहाँ पे एक लड़का चैलेंज कर रहा है, एक ही बार में ड्रैगन ब्रिज से गया और इसके पास एक और पोकेमोन है। ओके भाई क्वैक्सली, यार यहाँ पे रजियाइस मिल चुका है, मैं इसको कैच करूँ ना करूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मुझे कैच नहीं करना उसको अभी। और यहाँ पे क्या होता है, मुझे काफी सारे ट्रेनर्स मिलते हैं। और भाई ये कौन सा पोकेमोन है, गोली सोपोड भाई, ये कैसा नाम है भाई, ये कौन सा पोकेमोन था, मैंने पहली बार देखा है, वो सीरियसली बैंटेन के एलियन जैसा लग रहा था। सीरियसली गाइस वो बैंटेन के एलियन जैसा ही लग रहा था, क्योंकि उसका डिजाइन काफी ज्यादा मैच करता है उसके एक विलन से। बाय द वे यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ एंड देन यार हम लोग आ चुके हैं रस्ट बोरो शहर में, पोकेमोन सेंटर, एंड देन यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ, जिम यहाँ पे है, मैं आता हूँ जिम के अंदर। यहाँ पे एक छोटा सा लड़का है जिसके पास गोल्ड डक, ड्रैगन ब्रिज से एक ही बार में गया, स्लैश सीख रहा है मेरा गिराटिना। मैं काम करता हूँ इसका स्केरी फेस रिमूव कर देता हूँ क्योंकि किसी काम का नहीं है वो ऐसे। और इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, मोटे अंकल और छोटा लड़का एक साथ चैलेंज करते हैं मुझे, देन इनको हराने के बाद ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तो इनको हराते हैं सबसे पहले। तो ओके यहाँ पे ड्रैगन ब्रीथ नहीं स्लैश और आई शेड, ये काफी सही कॉम्बिनेशन है, नाइस यार एक ही बार में गए वो। और यहाँ पे रॉक्सनी जो कि है जिम लीडर, ओके भाई इसको मैंने किसी मूवी में देखा था, कालोस रीजन की मूवी में, ये डाइनसी एंसेंट पावर यूज करके मैंने इजीली इसको हरा दिया। और पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ओ भाई आरसीएस पोकेमोन हमारे सामने है भाई, ये क्या हो रहा है मेरे गेम को, ये क्या हो रहा है गाइस, नहीं 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 भाई बस बहुत हो गया, ओवर एक्टिंग अब और ज्यादा नहीं करनी। यस ये रैंडमाइजर है तो इसमें आरसीएस किसी के पास भी हो सकता है, इवन हमारे पास भी, लेकिन हाँ उसको कैच करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे घूमते रहो आरसीएस आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन इसके पास आरसीएस से काफी बड़ी बात है। और आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे एक और बंदा है, नहीं नहीं ये तो वही बंदा है जो कि फॉरेस्ट में मिला था, और इसको भाई टीम एक्वा का बंदा परेशान कर रहा है, यार चोर है क्या वो, टीम एक्वा टीम मैग्मा, यार मैं हूँ प्रोफेसर ओक। मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे देखते कौन होगा, कोई पोकेमोन नहीं मिला लेकिन एक बच्चा जरूर मिल गया भाई, तो भी बच्चा है ठीक है। सो गाइस यहाँ पे इसके पास है प्रोबोपैस, मैं यहाँ पे एंसेंट पावर यूज किया, वो डिफीट हो गया। यहाँ पे एक अल्ट्रा बीस्ट आता है लेकिन मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे एक मोटे अंकल और एक छोटा लड़का आता है जो कि मुझे चैलेंज करते हैं, और यहाँ पे मैं इनको डिफीट करता हूँ। फिलहाल मेरे पास है आर्टिकूनो एंड गिराटिना, और इसके साथ मेरे पास टीम में डायलगा भी है, लेकिन फिलहाल मैं गिराटिना से प्ले कर रहा हूँ। बेल्डम यहाँ पे आई शेड एंड ओमनियस विंड से गया, ऑल राइट डूड अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक है बूढ़े अंकल, अच्छा इनका पीको यहाँ पे चोरी हो गया है, टीम एक्वा के बंदे ने चोरी किया है, आज भाई क्या चल रहा है, आखिर क्यों चोरी किया तुमने ऐसा। ओके इसके पास है काफी तगड़ा पोकेमोन, लेकिन हमारे पास है डायलगा, ओके आ जाओ भाई, डायलगा आ गया मैदान में, आ गया एक ही बार में मेटल क्रॉ करता हूँ ठीक है, गया यार सुपर इफेक्टिव। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इनका इनका ना पीको था वापस कर दिया इनको। उसके बाद आगे बढ़ते यहाँ पे वो बंदा मिलता है, देन यहाँ पे अपने प्रेसिडेंट के पास आता है, कोई काम देगा क्या भाई, ओके अरे यार इसने एक लेटर दे दिया है जिसको हम लोग को डिलीवर करना है, लेकिन उससे पहले अब मैं आ जाती है जिसके पास है टापू फिनी, ओह माय गॉड, ओके ये रैंडमाइजर है कुछ भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे यार ये क्या, ओके इसके पास लैटियाज भी है, ओ माय गॉड इसके पास लॉपनी ओमनियस विंड, ओके नहीं किसी काम का नहीं है।
एंसेंट पावर यूज करता हूँ। ओके यार गई वो। उसके बाद है इसके पास एक और पोकेमोन, इसके पास है ककुना जिसको मैं इजीली डिफीट करता हूँ। एंड देन इसके बाद में से बैटल हो जाती है, फिर आता है एंटे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं मिलता हूँ इन्हीं बूढ़े अंकल से जिनका नाम है मिस्टर ब्राइनी। ओके क्या हमें लिफ्ट मिल सकती है? ऑल राइट भाई, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाउन में। इसका नाम क्या था? ओके यार यहाँ पे पोकेमोन सेंटर में आता हूँ मैं, हील करता हूँ, जाता हूँ इस गेम में क्योंकि मुझे यहाँ पे लेटर को डिलीवर करना है जो कि हमें मिला है डेवॉन प्रेसिडेंट से। और हम लोगों को किसको डिलीवर करना है? हम लोगों को डिलीवर करना है उसको स्टीवन स्टोन को, जो कि इसी केव में कहीं पे है। कहाँ पे छुपा है भाई? आ जाओ यार। ऑल राइट कहाँ हो यार? अरे यार कितना बड़ा केव है, मुझे रॉक टनल से लेकिन बहुत ही ज्यादा नफरत है। वैसे वो फायरड में यहाँ पे स्टीवन स्टोन भाई मिल गया। ओके ऑल राइट भाई, चलो अपना काम खत्म। यहाँ पे स्केप रूप है क्या अपने पास? ऑल राइट भाई एक है। चलो यार अब जाते हैं जिम के अंदर, जो की होगी अपनी सेकंड जिम। सो गाइस मेरे पास बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर मैं कहां पे जा रहा हूँ, एंड इवन मैं जानता भी नहीं हूँ कि मुझे जाना कहां पे है और कहां पे जिम लीडर होगा। फिलहाल उसका एक ट्रेनर मेरे सामने है जिसके पास है गार्ड वर्ड, मैं जैसे भी करके इसको हराता हूँ। एंड देन इसके बाद मैं जाता हूँ जिम लीडर ब्रॉली को ढूंढने। एंड फाइनली यार काफी ज्यादा मेहनत के बाद हमारे सामने आ जाता है इसका पहला पोकेमोन कैमरप्ट, एंशिएंट पावर यूज करता हूँ, देन डिफीट हो जाता है। इसका नेक्स्ट पोकेमोन होगा पता नहीं कौन सा, लेकिन यहाँ पे यार ये पावर जिम सीख रहा है। मैं यहाँ पे मेटल क्लॉक को रिमूव कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ यहाँ पे अपने फाइट में। ओके हिप्पोपोटास ये गया, और उसके बाद इसका आखिरी पोकेमोन है रैपिड डैश। आर्टिकुनो को सेंड करते हैं। अरे नहीं यार एक सेकंड, मिस्ट किसी काम के नहीं है। ओके यहाँ पे आई शेड ये भी किसी काम के नहीं है भाई। अंदर आजा मार देगा वो तुझको, डालगा आजा भाई। ओके पावर जिम यूज करते हैं, कैसा होगा? ओ माय गॉड भाई काफी गजब का मूव है। सेकंड जिम को जीतने के बाद मैं आप मिलता हूँ मिस्टर ब्राइनी से, जो कि हमें स्लेटपोर्ट शहर छोड़ देते हैं। और इसके बाद स्लेटपोर्ट में आने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे काफी सारे टीम एक्वा के बंदे खड़े, और इनका क्या काम है भाई? ऐसा क्यों है ये लोग क्यों है इतने सारे यार? कुछ तो बताओ कोई। अच्छा तो ये लोग चले गए, अभी हम लोग जाते हैं इसके अंदर। अरे ये क्या भाई, टिकट खरीदनी पड़ी यार। चलो इसके अंदर जाते ऊपर जाते। ओ माय गॉड ये है कैप्टन स्टर्न, हाय भाई आपसे काम है। अरे ये लोग क्या क्या नहीं, अरे यार चलो ठीक है आ जाओ। मेडिचैम है नहीं नहीं ओमनियस विंड गया। ऑल राइट भाई ये तो गया, एक और है आजा भाई। हैड ट्रेन मैं अभी यूज करता हूँ स्लैश। ओ माय गॉड एक ही झटके में गया। और यहाँ पे एक और है कॉपराजा। ओ एंसेंट पावर मैन कब तक बचेगा कॉपराजा। ऑल राइट यहाँ पे इसका बॉस आ गया जो कि है शायद से आर्ची। ओ माय गॉड डूड यहाँ पे कैप्टन स्टर्न हमें थैंक यू बोलते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। अरे एक सेकेंड भाई ये रेयर कैंडी कहाँ से आया मेरे पास? 10 रेयर कैंडी वो भी फ्री के भाई, यूज कर लेता हूँ। लेकिन एक्चुअली में मुझे सही में नहीं पता ये किसने दिए। यहाँ पे मैं मिलता हूँ डेवॉन प्रेसिडेंट से, जो कि हमें अपने पार्सल के बदले मेगा रिंग एंड एक्सपी शेयर देते हैं, जिसको मैं यूज करने वाला हूँ मेगा एवोल्यूशन के लिए। और यहाँ पे मैं देखता हूँ भाई मेरे सामने आ जाता है इतना ज्यादा पावरफुल पोकेमोन, लेकिन मेरे पास है मास्टर बॉल। तो इटरनेटस भाई अब तुम मेरे हो। इसके बाद मुझे मिलता है डार्क क्राई भाई साहब, फिर मिलता है हो ओ जिसको मैं कैच करने वाला हूँ क्योंकि यार मुझे हो ओ काफी ज्यादा पसंद है। ये क्या इटरनेटर से एक न्यू मूव सीख रहा है जो कि है टॉक्सिक। यहाँ पे एजिलिटी को रिमूव कर देता हूँ। ओके यार टॉक्सिक आ गया। इसके बाद ग्रोवाइल आता है, रजियाइस आता है, लेकिन मैं यहाँ पे देखता हूँ प्रोफेसर बर्च भी आ जाते हैं इनके साथ साथ। इनके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और इसके बाद काफी सारे ट्रेनर्स यहाँ पे मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। और ये है क्वैग्सली, जो कि यार जनरेशन 8 का वाटर टाइप स्टार्टर पोकेमोन है एंड इस गेम में भी है। ओके यार काफी अच्छा गेम है ये। और माइंड रीडर नहीं मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे माइंड रीडर किसी काम का नहीं लगता मुझे। इन सभी ट्रेनर से लड़ने के बाद आगे बढ़ते ही मुझे यहाँ पे मेज चैलेंज कर देती है, जिसके पास है यहाँ पे गोल्पिन गया। और इसके बाद इसके पास होता है एक और पोकेमोन, उसके लिए मैं यहाँ पे इंटरनेटर्स को यूज करूंगा जो कि है रॉकरफ। ओके भाई बच्चा ये पोकेमोन, एक सेकंड ये पोकेमोन तो मेरे पास भी है। ओके यार इसके पास है पैंचम, काफी सही मैन, डालगा जाओ भाई। अलग अलग पोकेमोन से मारूंगा बार बार बदल बदल के, ठीक है ये मजेदार है। और इसके बाद यार हो ओ आजा आजा भाई आजा। ओके यार कैसे पोकेमोन से इसके पास भाई, छी यार मैं क्या है तेरे पास। ओके यार ये अच्छा पोकेमोन है जो कि है जारूड। ओके मैन यहाँ पे कौन सा यूज करूँ, आर्टिकुनो। ओके सो गाइस यहाँ पे गेम का कहना ये है कि हम लोग अब और ज्यादा स्विच नहीं कर सकते अपने पोकेमोन्स को, ठीक है हो ओ से हरा दिया उसको। एंड इसके बाद में हार चुकी है वेनोशॉक, सीख रहा है मेरा इटरनेटस जो कि एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा डेंजरस मूव है भाई। इसके बाद शाइनी वो फिर मिलता है और डालगा जो कि ऑलरेडी है, नेगा नाइडल जो कि अल्ट्रा बीस्ट है इसलिए मैंने इसको कैच किया। क्यूरेम कैच करना होगा भाई आजा। अरे यार क्या पोकेमोन से यार मजा गया। क्रिसेलिया
गया, नहीं नहीं ये, अरे लू गया, अरे ग्रोवाइल, अरे भाई यार आजा आजा, ये चाहिए मुझे। सेप्टाइल काफी पसंद है मुझे, सेप्टाइल गैंग कमेंट जरूर से करना क्या आपको सेप्टाइल पसंद है। ओके यार यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ना डिपॉजिट करूंगा रॉकरफ को, आजा इसके बाद में लूंगा यहाँ पे किसको, सोचो सोचो, क्योरेम, नहीं नहीं ग्रोवाइल को लूंगा, इसको इवॉल्व करूंगा और सेप्टाइल में बनाऊंगा, ठीक है सेप्टाइल में इवॉल्व करूंगा उसको मैं। यहाँ पे मैं मिलता हूँ वैली से जो कि है फ्लेचेंडर का मालिक। ओके और ये है, ये क्या है भाई इनके, अरे भाई जा यार यहाँ से। ओके यहाँ पे एक और पोकेमोन है ना बैगन, खा जा भाई बैगन। ओके यहाँ पे एक और होगा इसके पास फ्रॉकी, फ्रॉकी। ओके यार गाइस यहाँ पे इसके पास ग्लूम गया यार, वन शॉट वन शॉट वन शॉट मैन वन शॉट। अब हम लोग जाने वाले जिम के अंदर भाई, आ जा कौन है यहाँ पे। ओके दो बंदे एक साथ है, ज़ैपडॉस एंड फरफ्रू। अब टाइम है सीरियस होने का और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ एंसेंट पावर और इसके साथ इटरनेटस का मूव होगा, हाँ कौन सा, वेनोशॉक। यस एंसेंट पावर प्लस वेनोशॉक, काफी गजब के मूव है। नहीं 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 कोई नया मूव नहीं सीखना अभी। और यहाँ पे फरफ्रू बच गया, अरे गया वो तो एंसेंट पावर से। एक और पोकेमोन आएगा क्या, अच्छा ठीक है परसूट, नहीं यार नहीं। ओके ये कौन सा है, ग्लैस्ट्रेयर, अरे क्या था वो ग्लैस्ट्रेयर, आई गेस ग्लैस्ट्रेयर था क्या। ओके यार आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और भी ट्रेनर्स है, आ जाओ बच्चे। इसके पास है इम्पीडिम्प, ओके अच्छा जोकर के पास, जोकर पोकेमोन है, पॉइजनड हो गया, गया वो बेचारा। और ये है हेरोक्रॉस, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है, हेरोक्रॉस यार काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये क्या, मैं किस माया जाल में फंस चुका हूँ, कैसे जाऊँ मैं आगे। काफी समय के बाद मैं फाइनली वॉटसन से मिलता हूँ और इसके पास इलेक्ट्राबज, वेनोशॉक यूज किया, गया लॉर्ड बीडूफ, गए भाई ये तो पीडूफ, वेनोशॉक गया और एक लास्ट मॉर्फी को वेनोशॉक एंड गया। ऑल राइट यार काफी ज्यादा इजी है यार, बिकॉज हमारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है। गिरेटिना सीख रहा है ड्रैगन क्लो, स्लैश को रिमूव कर दूं क्या गाइज, स्लैश को रिमूव कर दिया और ड्रैगन क्लो सीख चुका है अपना गिरेटिना। इसके बाद गाइज हम लोग आते हैं आगे बढ़ के वेडांटर टाउन में, पोकेमोन सेंटर में जाने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ एक और केव को, इसके अंदर जाता हूँ, मोट अंकल मिलते हैं जो कि हाइकर है, हॉन्चक्रो ओके पॉइजनड हुआ और यहाँ पे वेनोशॉक एंड गया। एक और पोकेमोन है जो कि है हाइड्रीगोन, गया भाई। सो गाइज यहाँ पे मैं देखता हूँ कि डालगा एक और न्यू मूव सीख रहा है जो कि है ड्रैगन क्लो, तो यहाँ पे मैं स्लैश को हटा दिया और ड्रैगन क्लो सिखा दिया उसको, ठीक है बैड बैरकल गया। और इसके बाद गाइज मोटे अंकल का कहानी खत्म, यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की है जो कि पत्थर के बीच में फंस चुके हैं, लेकिन सॉरी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास रॉक स्मैश अभी नहीं है, तो हाँ अलविदा। और भाई क्या हालचाल है, क्या मुझे एक बाइसिकल मिल सकती है फ्री में, अच्छा फ्री में, भाई उसने मुझे फ्री में एक बाइसिकल दे दी। और हमारे पास फिलहाल एक न्यू मॉडिफाइड बाइसिकल आ चुकी है जो कि बिल्कुल न्यू है, भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ एंड काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको यूज करने के लिए, ऐसे होगा। अरे ये क्या है, व्हील चेयर, भाई व्हील चेयर नहीं चाहिए थे मुझे, व्हील चेयर दे दिया उसने यार, मुझे व्हील चेयर नहीं चाहिए थी, उसने बूढ़ा आदमी समझ के व्हील चेयर दे दिया ये सोच के कि हम लोग बाइसिकल कैसे चलाएंगे यार, इतनी बड़ी बेइज्जती। लेकिन यहाँ पर रिबॉम भी है और इसके साथ यार ये कैसे मरेगी यार, वेनोशॉक गई वो और टायरेंट्रम, ओके यार ड्रैगन क्लो से गया और यह निकेट वेनोशॉक ड्रैगन क्लो एंड गई वो भी। हाँ गाइज हमारे पास आ चुका है रॉक स्मैश जो कि मुझे किसी अनजान आदमी ने अभी अभी दिया और मुझे अभी अभी पता चला है कि हम लोग को इस गेम में कोई भी HM और TM यूज करने के लिए उसको पोकेमोन को नहीं सिखाना, हम लोग ऐसे ही यूज कर सकते हैं यार। सो अभी हमें जाना है फायरी पाथ में जिसके अंदर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी पूरी टीम भी हमारे साथ है। मैं नेक्स्ट रूट पे आता हूँ जहाँ पे स्नोफॉल हो रही है और यहाँ पे एक लड़का जो कि मुझे बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। इसके बाद हम लोग फॉलैडवर टाउन में आते हैं और यहाँ पे आने के बाद माउंटेन्स पे चढ़ाई करते हैं, यहाँ पे काफी सारे ट्रेनर्स मेरा इंतजार कर रहे हैं और इसके पास कॉपर राजा एंड एक सनफ्लोरा है जैसा कि आप लोग देख सकते हो सनफ्लोरा, और ये गया काम से। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, काफी सारे हाइकर्स एंड काफी सारे पोकेमोन ट्रेनर से बैटल करता हूँ जैसा कि आप मैगबी और इमोलगा थे, और इनको हराने के बाद इनके पास शायद से और पोकेमोन भी है जैसे कि वॉचॉग, और इसके बाद इनका पोकेमोन खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग इसके अंदर जाते हैं जहाँ पे टीम मैग्मा है और अचानक से यहाँ पे टीम एक्वा भी आ जाती है और ये लोग पता नहीं क्या बोल बोल के यहाँ पे चले जाते हैं। इसके बाद मैं इनका पीछा करता हूँ और इसके बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे टीम मैग्मा और एक्वा की फाइट में, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। भाई मुझसे भी लड़ोगे क्या, ओके यार इनके पास है टैलेंट फ्लेम एंड एक हैप्पी नी, इसको हराना पड़ेगा जहाँ पे हमारे पास इटरनेटस एंड डायल गए, तो यार देखते क्या होता है।
और इसके बाद मैं इनके बॉस से मिलता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और यहाँ पे ये ग्राउडॉन का इंतजार कर रहा है, लेकिन मुझे इसको कैसे भी करके रोकना है एंड इसको हराना पड़ेगा। बेल्टॉय है तो यहाँ पे मैं क्रॉस पॉइजन यूज करता हूँ और यहाँ पे शायद से दूसरा पोकेमोन लाना पड़ेगा, डायलगा, पावर जेम एंड गया काम से। भाई काफी स्ट्रॉन्ग था उसका बेल्टॉय और ग्राउलिथ है ये भी गया और इसके साथ यहाँ पे अर्थ पावर सीख रहा है, यार काफी गजब का मूव है ये। तो यहाँ पे क्या हटाऊं। सो गाइस मैंने यहाँ पे ड्रैगन ब्रीथ मूव को डिलीट करके अर्थ पावर सिखा दिया डायलगा को और इसके बाद मैक्सी को बैटल में हराने के बाद मैं यहाँ पे आर्ची से मिलता हूँ जो कि मुझे थैंक्स बोलता है और फिर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोग आने वाले लार्डब्रिज शहर में और यहाँ पे एक जिम है तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर जाएंगे अपने नेक्स्ट जिम बैच को जीतने के लिए। यहाँ पे काफी सारे ट्रेनर्स है और यहाँ पे एकदम से पजल टाइप का है, थोड़ा बहुत पजल है लेकिन हाँ यहाँ पे हम लोग इसको आसानी से पार भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा यहाँ पे इंटरटेनिंग होगा क्योंकि काफी सारे ट्रेनर्स भी यहाँ पे हैं और हम लोग को संभल के चलना है। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, अपने पोकेमोन्स को अंदर कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे पता नहीं कहाँ से रास्ता है और यहाँ पे वैसे तो हम लोग को आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। यहाँ पे एक और ट्रेनर है जिसके पास है टापू कोको, आखिरकार फ्लैनरी यहाँ पे और इसके पास है ट्रॉपियस क्रॉस पॉइजन और ये गया वन शॉट हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पे टेपे, क्रॉस पॉइजन गया और लास्ट पोकेमोन जो कि कौन सा पोकेमोन है पता नहीं कौन सा था और ये साइडक गया। ये काफी ज्यादा कमाल के पोकेमोन है इटर्निटस और हमारे पास आ चुका है एक और जिम बैज, यहाँ पे मैं मिलती है जो कि हमें गो गॉगल्स देती है और इसके बाद हम लोग जाने वाले पेटल बर्ज जिम में क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे इस गेम के जो डैड है ना वो हमारा वेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे जिम लीडर है तो हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे काफी सारे रूम है और यहाँ पे काफी सारे ट्रेनर्स हर एक रूम में, तो मैग्मोटार तो गया। देन मैं देखता हूँ कि मेरा ग्रोवाइल यहाँ पे सेप्टाइल में इवॉल्व हो चुका है और ये काफी खुशखबरी है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आ चुका है सेप्टाइल। इसके बाद इस बंदे के पास है माइनियोर, ओके ये तो गया, पता नहीं कैसे पोकेमोन यार इसको कुछ हो ही नहीं रहा, ओके वो गया। और इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट रूम में जहाँ पे यहाँ पे हमारे जिम लीडर हमारे सामने है, इनके पास हेराक्रॉस, ओके क्रॉस पॉइजन से गया वो। इसके बाद एक और पोकेमोन होगा शायद से डायलगा, ओके आ गया मेरा जिराची है, ये गया पावर जिम यूज किया मैंने, हाँ कौन सा यूज करूँ भाई, एंसेंट पावर से चलेगा, ठीक है गया वो। और एक और पोकेमोन शायद होगा इनके पास, कौन सा यूज करूं मैं, हाँ ग्रेटिना ठीक है यहाँ पे। अरे भाई साहब ये क्या है, ओमनियस विंड गया, अरे नहीं यार थोड़ा सा रह गया यार, हील कर लिया कोई बात नहीं। और ये है टॉर्टरा, ये तो भाई जाएगा, एक सेकंड पोकेमोन चेंज करूंगा, अहो आजा। इसके पास है ब्रे बर्ड गया, यस आखिरकार गाइज हमारे पास आ चुका है एक और न्यू जिम बैज। और इसके बाद दोस्तों मैं जैसे आगे बढ़ने वाला होता हूँ यहाँ पे वैली के डैड आते हैं जो कि अपने घर में ले जाने के बाद मुझे वाटर स्टोन देते हैं। इसके बाद मोबाइल शहर में आने के बाद यहाँ पे वॉटसन जो कि मुझे बेसमेंट की देता है और बोलता है जनरेटर ऑफ करने को, तो फिर ठीक है भाई आ जाओ कहाँ पे है, ओके यहाँ पे बेसमेंट की लगाई, खुल गया भाई। यहाँ पे काफी सारे पोकेमोन है, मैंने यहाँ पे बटन तो ऑफ कर दिया है लेकिन यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें, एक बटन यहाँ पे नहीं है और भी काफी सारे होंगे मेरे ख्याल से, तो यार उन सबको ऑफ करना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ पे, मैंने यहाँ पे भाई कुछ भी आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है यहाँ पे कौन सा बटन क्या काम करेगा, लेकिन हाँ मुझे इतना पता चल गया है कि यहाँ पे जो ग्रीन वॉल और ब्लू वॉल है वो उन बटन से ही ऑन ऑफ हो रहे हैं जैसे कि आप लोग ने देखा, और वैसे करके हम लोग को अपना रूट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे रूट यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे मिलता है भाई निक्रोजमा भाई साहब, लेकिन मेरे पास है मास्टर बॉल तो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं यहाँ पे, तो मैंने इसको कैच कर लिया है। इसके बाद मेरे पास एक ही मास्टर बॉल है तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ इन पोकेमोन्स को, नहीं पकड़ता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ वॉटसन को और बोल देता हूँ भाई कि मेरा काम हो गया है अब मैं जा रहा हूँ। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं जहां पे एक ट्रेनर मुझे चैलेंज कर देता है, इसके पास है बाउंस रेट जो कि वन शॉट हो गया मेरे से, एम्फोरोस ये भी वन शॉट हो गया। और इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं सर्फ से, इसके बाद मैं जैसे नेक्स्ट रूट पाता हूं यहां पे स्टीवन स्टोन जंप करके आता है और मुझे बोलता है यार हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट शहर में। इसके बाद ना गाइस मेरे अंदर एक अलग से एक्साइटमेंट आ जाती है। इसके बाद मैं यहां पे आता हूं झाड़ियों का यहां पे सामना करते हुए, लेकिन तब जाके मुझे ये पता चला कि मुझे यहां पे अपने व्हील चेयर को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे काफी बड़ा मैंशन होता है, इसके अंदर मैं जैसे आता हूँ यहाँ पे टीम एक्वा के ग्रंट्स होते हैं और ये मुझसे बैटल करने लगते हैं। और इसके बाद और क्या, मैं काफी सारे ग्रंट से बैटल करता हूँ और इनके पास काफी अच्छे पोकेमोन्स भी थे। इसके बाद यार ये बैटल खत्म ही नहीं हो रही है, लेकिन हाँ इसके बाद काफी सारे ट्रेनर्स और भी आते हैं और इनको भी मुझे हराना पड़ता है तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ यार एक और न्यू मूव सीख रहा है ये, तो एंसेंट पावर को मैं सोच रहा हूँ हटा दूं। सो इसके बाद ये बैटल खत्म हो जाती है और देन इसके बाद हम लोग को अभी लड़ना है टीम एक्वा एडमिन शेली से। इसके पास है गोली सपोर्ट, नाइस क्रॉस पॉइजन एंड स्टारली गया, फिर आता है गोली सपोर्ट ये भी गया,
और इसके बाद गाइस यहाँ पे कैप्टन स्टर्न में खुश होकर ब्लास्टोइज फ्री में एक गिफ्ट दे देते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे मिलता हूँ मे से, इसके पास जैरूड क्रॉस पॉइजन से गया। उसके बाद गाइस यहाँ पे इटरनेटस यहाँ पे ड्रैगन पल सीख रहा है तो पॉइजन टेल को रिमूव कर दिया। क्लैंग है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा डायल का कू, यहाँ पे मैं यूज करूंगा यहाँ पे अर्थ पावर सुपर इफेक्टिव गया। इसके बाद आता है मैक कार्गो स्कीडो और इसके बाद स्नाइवी, ये सबके सब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मेरे सामने एक और इटरनेटस आ जाता है और इसके बाद मैं इसको हरा देता हूँ। इसके बाद गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं, फोर्ट्री शहर आते हैं, पोकेमोन हिल करते हैं, उसके बाद जाते हैं इस जिम के अंदर, लेकिन मैं जा ही नहीं पाता। उसके बाद इस शहर में कुछ गड़बड़ है, इसको चेक करने के लिए हम लोग मिलते हैं स्टीवन स्टोन से। डेवन स्कोप की मदद से हमें पता चलता है कि यार ये पोकेमोन सब कुछ कर रहा था, इसके कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन हाँ, अब हम लोग जा सकते हैं आगे और पोकेमोन जिम में जाने का समय हो चुका है, तो देखते यार कि हम लोग जा सकते हैं। ओके हम लोग जा सकते हैं, इसके अंदर मैं आता हूँ जिम के अंदर। ओके काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है इस जिम का। इसके बाद यार एक सेकंड यार, मैं क्या करता हूँ अपने पोकेमॉन्स को अंदर कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कुछ दिखा ही नहीं दे रहा। ओके अंदर आ गए और इसके बाद यहाँ पे काफी सारे ट्रेनर्स हैं। इसके पास है टापू लिली गया और इसके बाद एक और पोकेमॉन है रैबूट एंड योजन। ओके ओके ये भी गए और पोकेमॉन है क्या। अच्छा इसके बाद आगे बढ़ते हैं और भी ट्रेनर्स है यार यहाँ पे। ये कैसे सॉल्व करूँ यार, मैं ऐसे रैंडमली जा रहा हूँ, अपने आप हो रहा है। ठीक है यहाँ पे लैम्पेंट और मैस्प्रिट, ठीक है आ जाओ। हाँ ड्रैगन क्लो एंड क्रॉस पॉइजन गया। ओके एक स्कैड्रिल और इसके बाद गाइज ये तो हार गए, आगे बढ़ना हम लोग को। ओके गाइज तो यहाँ पे जैसे मैं नीचे की ओर जाता हूँ अचानक से यहाँ पे एक और ट्रेनर आ जाता है और मैं उसको हराने के बाद आखिरकार यहाँ के जिम लीडर से फाइट करता हूँ। इसके पास सेलेस्टीला पोकेमोन है जो कि आई गेस अल्ट्रा बीस्ट है ना, मैं याद नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है, अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर से बताना, मुझे याद नहीं था। ठीक है ओके ये अल्ट्रा बीस्ट था जर्किट्री, ये अल्ट्रा बीस्ट था। ओके यार इसके पास काफी अच्छे पोकेमोन है। अच्छा पॉलीवैक ठीक है मेरे पास भी, लिकिटंग ओके ये गया और इसके बाद एक और लास्ट पोकेमोन बल्बसोर। ओके यार आखिरकार हमारे पास आ चुका है फेदर बैज। गाइस इसके बाद मैं अपनी जर्नी पे जैसे आगे बढ़ता हूँ मैं देखता हूँ टीम एक्वा के बंदे यहाँ पे कोई प्लान बना रहे हैं और कहीं दूर भाग गए, लेकिन पता नहीं कहाँ भागे। वेल गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं लिलीकोप शहर में, यहाँ पे मैं से बैटल करते हैं हम लोग सबसे पहले तो, क्योंकि यार ये काफी बार बैटल करती है हमसे इस गेम में। ठीक है इसके बाद गाइस मैं यहाँ पे आता हूँ माउंट पैड में, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पे टीम मैग्मा या फिर टीम एक्वा में से कोई एक टीम यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे मैं देखता हूँ कि टीम एक्वा के बंदे मुझे चैलेंज कर देते हैं इन सभी से फाइट करने के बाद। यहाँ पे हम लोग मिलते हैं अंकल और आंटी से और ये आंटी रेड ऑर्ब और ब्लू ऑर्ब की बात करते हुए मुझे मैग्मा एम्बलम दे देती है। और इसके बाद गाइस ना मेरे सामने आ जाता है रिक्वाजा पोकेमोन। डूड सीरियसली गाइस मैंने इसको कैच कर लिया है मास्टर बॉल से। ठीक है हमारी टीम आ चुका है रिक्वाजा, लेकिन यार मैं इसको ऐसे पीसी में नहीं रखूंगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मैं इसको विड्रॉ करूंगा, मैं यहाँ पे आर्टिकुनो को पीसी में रख रहा हूँ बिकॉज मैं उसको यूज भी नहीं कर रहा फिलहाल। तो यहाँ पे हम लोग को चाहिए रिक्वाजा। और इसके बाद यहाँ से हम लोग पहुंचते हैं टीम मैग्मा के हाइड आउट में, यहाँ पे काफी सारे बंदे। ओ माय गॉड यार चैलेंज भी कर दिया बैटल के लिए, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। आजा भाई आजा आजा ग्रेटिना अर्थ पावर गया ग्रेनिंजा भाई साहब, मुझे इसको कैच करना है, कैसे भी करके कैच करना। रिक्वाजा को बुला लिया है बिकॉज इसकी थोड़ी सी यहाँ पे लेवल कम है, लेकिन गाइस हमारे पास अल्ट्रा बॉल एक है। यार नहीं आया यार पोकेबॉल में आएगा क्या, प्लीज आजा भाई प्लीज आजा प्लीज, फेवरेट पोकेमोन है आजा। अच्छा ठीक है आ गया यस। ओके गाइज यहाँ पे मैक्सी है, एक सेकेंड यार धीरे बोलो। ओ माय गॉड गाइज ग्राउडॉन चला गया यार, ये हमें चैलेंज कर रहा है भाई, तूने ग्राउडॉन को भगा दिया। आहा चलो ठीक है यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं स्लेट पोर्ट शहर में। हम लोग यहाँ पे जैसे देखते हैं यहाँ पे कैप्टन स्टर्न का इंटरव्यू ले जा रहा है मीडिया की तरफ से, लेकिन यहाँ पे काफी सारे पब्लिक भी जमा है। ओ माय गॉड क्या सच में, ओ माय गॉड गाइस यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आर्ची और उसका ग्रंट उसके साथ में, और ये लोग लिलीकोप शहर में जा रहे हैं क्योंकि शायद से वहां पे कोई कनेक्शन है। गाइस चलो हम लोग को जाना है लिलीकोप शहर में क्योंकि वहां पे कुछ तो हो रहा है, हम लोग को जाना पड़ेगा। लेट्स सी भाई क्या चल रहा है, हम लोग को यहाँ पे जाना है। हम लोग आ चुके हील किया मैंने पोकेमोन सेंटर में। गाइस यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ और लिलीकोप शहर के आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे टीम एक्वा का हाइड आउट है। ओ माय गॉड सीक्रेट बेस, ओ भाई आते ही चैलेंज कर दिया ग्रैंड बुल। ऑलराइट गाइस यहाँ पे हम लोग बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं कोई ग्रंट ना देख ले, लेकिन काफी सारे ने तो देख भी लिया। ठीक है ओ माय गॉड कैसा पजल है भाई साहब, इसको कैसे भाई पार करूं मैं गाइस, ये तो काफी ज्यादा हार्ड है। अरे 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 भाई कहां जा रहा हूं मैं, आखिर गाइस हम लोग सही जगह आ गए, ये क्या भाई ये तो धोखा हुआ हमारे साथ, फिर से धोखा। ओ माय गॉड अच्छा मास्टर बॉल मिल गया भाई, नगेट मिल गया। ऑलराइट गाइस बड़ी सेफ्टी के साथ मैं यहाँ पे आगे चल रहा हूँ। गाइस धीरे बोलो धीरे, हम लोग को बड़ी सावधानी से चलना है। अरे यार यार पकड़ लिया इन्होंने, अरे यार गाइस काफी सारे लोग ने हमें देख लिया है, ये लास्ट वाला आई गेस। अरे कॉपर आजा भाई आजा आजा आजा,
ओके यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, इसका बॉस ऑलरेडी भाग चुका है। गाइज इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं मॉस द्वीप शहर में। यहाँ पे यार पता नहीं क्या है। अच्छा तो फिर यहाँ पे एक जिम है, आ जाओ इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे अपने पोकेमॉन्स को अंदर कर लेता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे पजल भी है, आ जाओ इसको सॉल्व करेंगे मजे में। आ जाओ फिर यहाँ पे। अच्छा ठीक है, बैटल होगी। काफी सारे बैटल करने के बाद आखिरकार ये लास्ट है और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अच्छा दो दो जिम लीडर्स, आ जाओ फ्लाइगोन एंड लिलीपॉप। ओके यहाँ पे फायर ब्लास्ट और यहाँ पे यूज करता हूँ मैं, हाँ क्या यूज करूँ भाई, एक्सट्रीम स्पीड यार और क्या क्या भाई, हाँ नहीं 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 स्लिप कर दिया रिक्वाजा को उसने, एंसिड पावर अर्थ पावर भाई डाल का। आजा हो, ओ आजा, पोकेमॉन्स को चेंज कर रहा हूँ मैं बिकॉज उतने ज्यादा काम के नहीं हो पा रहे, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आ जाओ भाई लीफ ब्लेड सुपर इफेक्टिव, यस। अच्छा ठीक है लीफ ब्लेड और क्रॉस पॉइजन, ठीक है। अच्छा ठीक है गया वो। अरे भाई यस गाइस हमारे पास आ चुका है एक और जिम बैज। इसके बाद मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ मैग्मा के सीक्रेट मैंशन में। यहाँ पे आने के बाद मैं देखता हूँ स्टीवन स्टोन को बंदी बना लिया गया है। सो इसके बाद यार हम लोग फाइट के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे हमारी फाइट शुरू हो जाती है। हमारे आमने सामने होगी टीम मैग्मा और उनके पास भी कुछ खास पोकेमॉन थे नहीं, लेकिन यहाँ पे स्टीवन स्टोन से मैं इसके घर में मिलता हूँ और उसके बाद ये मुझे देता है डाइव। गाइस हमारा आगे का पूरा जर्नी डाइव के साथ होगा अंडर वाटर के अंदर, यानी कि पानी के अंदर हम लोग आ भी चुके और यहाँ पे यार काफी ज्यादा मजा आएगा और यार आगे का एडवेंचर ना काफी ज्यादा मजेदार होगा। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यार कौन सी जगह पे आ चुका हूँ मैं, ओ माय गॉड फॉग एंड फॉग भाई, यहाँ पे हम लोग कहीं फॉग में मिलना जाए भाई। ओके आगे बढ़ते कहाँ जा रहा हूँ, ओ माय गॉड गाइस यहाँ पे कायोगर है और यहाँ पे आर्ची एक सेकंड में पहुंच गया भाई, गजब। और इसको हराने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे ये क्या हुआ, अरे कायोगर चला गया भाई, ये बोल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, कायोगर क्यों चला गया। अरे भाई वाह टीम मैग्मा का लीडर भी आ गया, मैक्सी एंड आर्ची में दोनों में फाइट हो रही है, बहुत बढ़िया भाई। अरे ये क्या हो गया भाई, एक सेकंड भाई मैंने क्या किया था, गलती इन दोनों की थी भाई, मैं तो दुनिया को बचा रहा था। अरे स्टीवन भी यहाँ पे भाई, नाइस। अच्छा यार एक सेकंड सर्फ यूज करता हूँ, आगे क्या चल रहा है भाई, ओ माय गॉड गाइस। तो यहाँ पे ग्राउडोन और कायोगर आ चुके हैं और ये दोनों भाई नमूने यहाँ पे खड़े और ये रहा स्टीवन भाई साहब क्या चल रहा है। अच्छा तो ये हमें एक बंदे के पास ले जा रहा है, वो ही हमें बताएगा क्या करना है। ओके चलो चलो चलो, कहाँ पे भाई वो बंदा, कौन है वो वैसे, ओ अच्छा तो ये वैलेस है भाई, ये तो चैंपियन है इस रीजन का। ओके ये पूछ रहा है शायद से, क्या पूछ रहा है भाई। अच्छा रिक्वाजर कहाँ पर रहता है, रिक्वाजर रहता है स्काई पिलर में। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग को स्काई पिलर में जाना है, उसके लिए हम लोग को इस जगह पर जाना पड़ेगा और यहाँ से होते हुए यहाँ पे होगा आई गेस स्काई पिलर, ठीक है आई गेस यहीं पे होगा स्काई पिलर, यही कहीं आसपास में है। ओके यार हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट टाउन में सर्फ यूज करके, ठीक है, और हम लोग को अभी यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो फिर चलो पोकेमॉन सेंटर के बाद हम लोग जाने वाले स्काई पिलर के अंदर और हम लोग स्काई पिलर के अंदर रिक्वाजर को जगाना है। भाई हट जा मेरे रास्ते से यार, क्यों आ रहा है। अच्छा ठीक है आजा भाई। ओके यार यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं स्काई पिलर के अंदर, यहाँ पे आ चुका है वैलेस। गाइज यहाँ पर रिक्वाजर शायद से अंदर है। सो दोस्तों अभी हम लोग को ढूंढना है रिक्वाजर को, रिक्वाजर कहीं पर भी हो सकता है, हम लोग को उसको कैसे भी करके ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरी दुनिया तबाह हो सकती है क्योंकि ग्राउडोन और कायोगर की फाइट को सिर्फ और सिर्फ रिक्वाजर ही रोक सकता है। आई डोंट नो भाई कहाँ पे। ओके व्हील चेयर आ जा, अरे यार गायब हो गई वो तो, ठीक है भाई आ जाओ। व्हील चेयर कहाँ है मेरी, यार आ गई, ठीक है। ओके यहाँ पे शायद से, ओ माय गॉड गाइज वो सो रहा है, हम लोग को जगाना है। ओ जाग गया भाई, मैं तो डर गया भाई। ओके गाइस यहाँ पे आ चुका है लुनाला पोकेमॉन। इसके बाद सोटो पॉलिश शहर हम लोग आ चुके और यहाँ पे ग्राउडोन और कायोगर की फाइट में आ चुका है रिक्वाजा, इनकी फाइट को रोक दिया इसने, यार काफी गजब का पोकेमॉन है रिक्वाजा। अभी हम लोग को जाना जिम में। गाइस ये जिम ना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, आई मीन यार आप लोग इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज होगे, इतना ज्यादा कंफ्यूज होगे कि आप लोग को मुझे देखना पड़ेगा। आप लोग जैसे मैं चल रहा हूँ ना वैसे आप लोग को चलना है, ठीक है, याद कर लो ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ठीक है। यहाँ से ये सीढ़ी बनेगी, यहाँ पे सीधा सीधा सीधा, ओके इस साइड से, उसके बाद यहाँ पे नीचे, ठीक है, इधर ऊपर यहाँ पे, उसके बाद नीचे, फिर साइड में, फिर नीचे, उसके बाद फिर साइड में, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, भाई आजा 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 भाई। ओके फिर पूरा सीधे आ जाओ, फिर नीचे, ठीक है, ऊपर, उसके बाद फाइनली बॉयज मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं कोई भी गलती करता तो मैं सीधा नीचे जाता, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेटस आ जाओ, मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्रॉस पॉइजन, व्हाट इफेक्टिव नहीं है,
कोई और अटैक? नहीं यार, इफेक्टिव नहीं है उसपे। ओके, गार्ड वर्ड सुपर इफेक्टिव होगा। यस, सुपर इफेक्टिव था। ओके, आप इसके बाद फीको को आ जाओ, हेड अक्रॉस फ्लेम थ्रोर, मेटापॉड फ्लेम थ्रोर, और ये गया भाई। हमारे पास गाइज हो चुके पूरे 8 जिम बैजेस। इसके बाद गाइज मैं आगे की जर्नी पे निकल जाता हूँ। और गाइज इसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरी रास्ते में काफी ज्यादा मुश्किलें आएंगी। और ओके, आ जाओ, आप सभी को पता हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। यस, हम लोग अभी जा रहे हैं विक्ट्री रोड में, क्योंकि यार उसके बाद आएगी पोकेमोन लीग, और उसके बाद प्रोफेसर ओक का चैंपियन बनने का पहला सपना पूरा हो जाएगा। ओके, हम लोग काफी क्लोज है। ये मैं जा क्यों नहीं पा रहा? अच्छा, हाँ, एक मूव था वाटरफॉल करके। आ जाओ, ओ माय गॉड, कितना स्मूथ है भाई। आखिरकार गाइज हम लोग काफी क्लोज है। अच्छा ठीक है, हम लोग आ गए क्या? ये कुछ एवर ग्रैंड करके नाम है इस जगह का। हम लोग क्या करते हैं, अपने पोकेमॉन्स को बाहर बुला लेते हैं। सो अभी हम लोग आ चुके हैं विक्ट्री रोड के अंदर, और यहाँ पहुंचने के बाद काफी सारे लोग मुझसे बैटल करते हैं। मैं इन सबको हरा देता हूँ, और इसके बाद और भी काफी सारे लोग थे और इन सबसे मैं बैटल भी करता हूँ। ऑलराइट, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं बाहर की ओर, और आखिरकार गाइज हम लोग विक्ट्री रोड से बाहर आ चुके, और ये रहा पोकेमॉन लीग। इसके अंदर हम लोग आ चुके हैं, अपने पोकेमॉन्स को हील कर लिया, और यहाँ पे काफी सारे आइटम्स की हमें जरूरत है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले खरीदता हूँ यहाँ पे हाइपर पोशन, काफी सारे लूंगा, काफी सारे, इतने भी ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ इतने काम के होंगे। और भी क्या क्या है भाई, सब कुछ ले लूंगा यार, कुछ नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, सब कुछ ले रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई ठीक नहीं है, रैंडमाइजर है, कोई भी टाइप हो सकता है एलीट फोर के पास। तो मैं यहाँ पे जितना हो सके उतना सामान खरीदूंगा, पैसे की कोई भी कमी नहीं है। तो गाइज आई गेस हाँ, अब हम लोग सही है। लेकिन रिवाइव ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी जर्नी में। अभी हम लोग जाने वाले हैं अंदर, और ये रहा पहला एलीट फोर। ओ माय गॉड गाइज, इसके पास चार्ज बग गया, लिखी ओके, क्रॉस पॉइजन, लेडियन, डायनामिक कैनन, और फ्लेम थ्रोर गया, स्पीयर फ्लेम थ्रोर गया, और ये क्या भाई, यूनो शॉक से गया वो। आखिरकार हमने पहले एलीट फोर को हरा दिया है। अब हम लोग को जाना है नेक्स्ट के पास, और यहां पे भाई साहब मैजिक कार्प। ओ माय गॉड गाइस, यहां पे इसके पास नॉर्मल पोकेमोन है, मतलब उतने भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। मैं ऐसे फालतू में इतना ज्यादा डर रहा था, लेकिन हां गाइस हम लोग को अभी भी ध्यान से खेलना है, बिकॉज चैंपियन से पहले हमारे पास पूरे पोकेमोन अपने 6 के 6 होने ही चाहिए, बिकॉज कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए। ठीक है, सो गाइस यहां पे आखिर कर हमने दूसरे वाले को भी हरा दिया, लेकिन तीसरे वाले के पास पहुंचने से पहले हमें यहाँ पे हाइपर पोशन चाहिए होगा, क्योंकि इटरनेटस को इसकी जरूरत है। अब हम लोग जाते हैं थर्ड मेंबर के पास, और यहाँ पे भाई साहब लैम्पेंट, ओके, फ्लेम थ्रोर किसी काम का नहीं है क्या उस पे? अच्छा ठीक है, विनो शॉक से गया, एक और है वोल्बीट, ये क्या स्टारेविया, ये भी गई, और लाइकन रॉक भाई साहब मेरा फेवरेट है, और भाई फिल्म थोड़ा गया नहीं यार, नॉट इफेक्टिव था वो। और यहाँ पे भाई साहब इसके पास है लास्ट पोकेमॉन कौन सा, लूटेड है भाई। ओके गाइज, हमने इजिली थर्ड मेंबर को भी हरा दिया है। अब हमारे सामने आएगा फोर्थ एलीट फोर मेंबर भाई साहब। ओ माय गॉड, ये कौन सा पोकेमॉन है? अरे हिप्पोडॉन भाई भाई भाई, हाँ फिल्म थोड़ा गया। अच्छा ठीक है, ड्रैगापल्ट, ओ माय गॉड, डायनामिक कैनन, यस गया। ओके गाइज, स्नबल, क्रॉस पॉइजन गया वो तो। अच्छा ठीक है, और कौन सा है? हाँ स्कीडो यार, फ्लेम थ्रोर गया ये, और कौन सा है भाई? हाँ इन्फर्नेप, विनो शॉक, यस मैन, यस गाइज, हमने पूरी लीड फोर मेंबर्स को हरा दिया है। आखिरकार हम लोग प्रोफेसर ओक आखिरकार चैंपियन बनने वाले हैं। ओ माय गॉड, यस यस, यहाँ पे हमारे सामने खड़ा है इस रीजन का चैंपियन, जो कि है वॉलिस फ्लेम थ्रोर, और ये गया मैंकी। उसके बाद उसके पास है किंगड्रा। अच्छा ठीक है, क्रॉस पॉइजन कैसे रहेगा? अच्छा गया, यस ऑलराइट। अच्छा इसके पास एक और किंगड्रा है, तो इस पे यूज करूंगा मैं विनो शॉक, यस मैन गया। अच्छा तो इसके पास है हरियामा, फ्लेम थोड़ा सा बन हो गया, और डायनामिक्स कैनन, और ये गया काम से। एक और पोकेमोन है जो कि बस पे क्यों फ्लेम थ्रोर, और ये सुपर इफेक्टिव। उसके बाद है, अच्छा ठीक है, इस पे मैं रिक्वाजा यूज करूंगा। ठीक है यार, बच्चा पोकेमोन है, ठीक है आ जाओ। अच्छा ठीक है, तो एक्सट्रीम स्पीड, ओ माय गॉड भाई, आखिरकार गाइस ये चैलेंज यही पे कंप्लीट होता है। हमने पूरे 100 डेज सरवाइव कर लिया प्रोफेसर ओक बनकर, और ये जर्नी सच में काफी ज्यादा कमाल की रही। गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर से बताना, और इस वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को पोकेमोन के ऐसी कमाल के गेम्स के चैलेंजेस पाने के लिए। और कमेंट करो आपको कौन सा चैलेंज चाहिए, किस गेम का चैलेंज चाहिए। और हाँ गाइस, और भी काफी सारे ऐसे चैलेंजेस किए, आपके स्क्रीन पे जाके देखो उन वीडियोस को और एंजॉय करो। चलो बाय।